असलम आज हम रेस्पाट्री मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टेमीन बेसिकली वट इज़ हिस्टेमीन इट इज़ ए केमिकल मिसेंचर डैट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाई मास सेल्स अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी सिंथिसिस की तो ये हमारे पास हिस्टीन एक अमाइनो एसड होता है उसकी डी कार्बोऑक्सिलेशन होगी मतलब उसमें से कार्बन डाईऑक्साइड रिमूव होगा तो बनता है हमारे पास हस्टमीन तो डेफिनेशन क्या बनेगी डी कार्बो ऑफ द हिस्टेडीन प्रोड्यूस हिस्टेमीन अब मास सेल्स में जो होते हैं हिस्टेमीन स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स उसके बाद अगर ये हिस्टेमीन स्टोर्ड नहीं हो रहे होते हैं, तो ये रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय एन एन्जाइम नोन एज अमाइन ऑक्सीडेज लोकेशन की बात करें कि कहाँ कहाँ हिस्टेमीन हमें मिलेगा तो ये मिलता है इन ऑल टिश्यूज़ और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जहाँ मिलता है दैट इज लांगस जी आई टी ब्लड वैसल्स एंड स्किन नाउ इट इज़ फाउंड इन हायर कंसेंट्रेशन इन मास सेल्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं बेजफिल्स एंडफिल्स जो कि ब्लड में मिलेगा हमें और एंटैरो सेल्स जो कि हमारे पास जी आई टी ट्रैक में फिर उसके बाद ये हमारे पास ऑल्सो मिलता है किसमें वे में जो पॉइजन होता है पॉइजनस सब्सटेंसेस में और इंसेक्ट स्टिंग्स में भी मिल रहा होता है नाउ सिंथेसिस लोकेशन अब बन भी गया स्टोर्ड भी हो गया अब रिलीज कैसे होगा तो रिलीज करने के लिए तीन टिगरिंग फैक्टर्स होते हैं एलर्जिक रिएक्शन टिश्यू इंजरी एंड ड्रग्स और फॉरन केमिकल्स एलर्जिक रिएक्शन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा है जो कि एलर्जिक प्रोन है तो वो किसी भी एलर्जन से जब इंट्रोड्यूस्ड होगा लाइक पोलन तो उसमें क्या होगा कि फॉरन से एक्टिवेशन होगी बी सेल्स की ये बी सेल्स एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मा सेल्स को वो क्या सीक्रेट करते हैं प्लाज्मा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़ एलर्जिक रिएक्शन है तो प्लाज्मा सेल्स आईजीई एंटीबॉडीज स्पेसिफिकली प्रोड्यूस्ड करेंगी ये आईजीई एंटीबॉडीज़ जाके अटैच्ड हो जाएंगी टू द मास्ट सेल्स जब सेकेंड टाइम सेम पर्सन उस एलर्जन से इंट्रोड्यूस uh, होगा तो क्या होगा कि वो एलर्जन आएगा आई एंटीबॉडी से बाइंड करेगा अब वो हमारे पास एलर्जन और आई एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बना है वो स्टिमुलेट करेगा मास सेल को और मास सेल से हिस्टेमिन ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे ये हिस्टेमिन ग्रेन्यूल्स फर्दर क्या करेंगे हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाएंगे नेक्स्ट इज टिश्यू इंजरी कोई भी हमारे पास डैमेज टिश्यू है तो हमने कहा था कि मास सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ में मिलते हैं तो वो डैमेज टिश्यू में प्रेजेंट मास सेल्स हिस्टामिन रिलीज करेंगे हिस्टामिन का नर्व पर भी इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पर भी तो वो हमारे पास अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट वी हैव ड्रग या फॉरेन केमिकल्स जैसे कि के विनॉम कोई एंटीबायोटिक बेस्ड डाइज या कोई एल्कलॉइड लाइक मॉर्फिन ये सब भी इंड्यूज करवा सकती हैं हिस्टामिन के रिलीज को फिर अगर नेक्स्ट बात की जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो ये हिस्टेमीस जो होते हैं ये तीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं डेट इज एच वन एच टू एच थ्री एंड एच फोर मगर जो मोस्ट स्पेसिफिकली इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा था बाई एच वन एंड एच टू रिसेप्टर्स एच थ्री और एच फोर का इतना कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता एज़ कम्पेयर टू एच वन एंड एच टू एच वन मीडिएटेड फंक्शन कौन कौन से होते हैं एच टू मीडिएटेड फंक्शन कौन से होते हैं एच वन ज़्यादा फंक्शन कॉज करवाता है एज़ कम्पेयर टू एच टू अब उसमें क्या होगा हमारे पास वेस्क्यूलर प्रमेबिलिटी बढ़ा रहा होता है वीज ओ डाइलिशन करवा रहा होता है डायलेशन कैसे करवाता है ये एचन रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे ब्लड वेसल्स पे हिस्टमीन आके बाइंड करेगा और क्या करवाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज करवाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वेजर डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स जो हमारे पास हिस्टमिन होता है ये एक्ट करता है एज न्यूरो ट्रांसमीटर इन द सी एन एस और न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करके ये क्या करवा रहा होता है एपीटाइट सप्रेशन करवा रहा होता है वेक करवा रहा होता है स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन अब यही स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन याद रखते हुए हमें ये पॉइंट याद रखना है कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्टर है ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि ये ब्रोंकोस्पेजम कॉज करवाएगा डैट विल कम इन टू द पैथोलॉजिकल प्रोसेस और अगर कोई इस तरीके की रिलेटेड डिजीज है जिसमें ब्रोंकोस्पाजम का मसला हो तो उसमें हम हिस्टेमींस नहीं देते सेकेंड हमारे पास एच टू मीडिएटेड फंक्शन है वो सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये बेसिकली मोस्ट स्पेसिफिकली एक्ट कर रहे होते हैं इन द जी आई टी ट्रैक्ट इसमें प्राइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस करवा रहे होते हैं एच वन मीडिएटेड ये जब इतने सारे फंक्शंस करवा रहे हैं तो पैथोलॉजिकल प्रोसेसिस में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं जिसमें है अर्थी जो कि हमारे पास एक स्किन डिजीज है कंजेक्टिवाइटिस कंजटाइवक इन्फ्लेमेशन ब्रॉकोस्पैजम एस्थमा, एनाफाइलिस जो कि हमारे पास ये सारी चीज़ें पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस क्यों होंगे बाय इनहसिंग द सक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस uh, हिस्टेमिन का वन ऑफ द फंक्शन ये भी है एच वन मीडिएटेड फंक्शन में कि इस साइटोकाइंस uh, की सिक्रीशन को बढ़ा देता है अब बात करते हैं एलर्जिक और एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन की तो हमारे पास आईवी इंजेक्शन ऑफ हिस्टेमींस जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं एज एलर्जिक रिएक्शन या एज एनाफाइलेक्टिक शॉक दोनों में ही कॉमनली क्या हो रहा होता है कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द एयरवेज हो रही होती है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो रही होती है सिक्रीशंस प्रोड्यूसड हो रही होती है वो इज इंक्रीज परमेबिलिटी और हमारे पास सेंसरी नर्व एंडिंग्स की स्टिमुलेशन यानी पेन और इचिंग बेसिकली ये सारे फंक्शंस एच वन मीडिएटेड फंक्शन है पेन इचिंग वेस्कुलरिटी डायलेशन सिक्रीशन सब या ब्रॉन्को स्पैजम तक अब ये सारे सिम्टम्स कौन कौन से मीडिएटर्स की रिलीज की वजह से जिसमें से सबसे पहला है हिस्टमिन डेट इज वाई एच वन मीडिएटेड सैरोटोन लूकोट्राइन्स इनफिल कीमोडाक्टिक फैक्टर ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस एनाफाइलेक्टिक एंड एलर्जिक रिएक्शन तो इसमें हमारे पास मेन uh, रोल कौन प्ले कर रहा होता है हिस्टेमीन वाया एच वन रिसेप्टर अब यहाँ तक हमने हिस्टेमीन का ओवरव्यू कर लिया नेक्स्ट वीडियो में एंटी हिस्टेमीन ड्रग्स पर